हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल की इतने बिजी शेड्यूल में हम अपनों से उतना बात नहीं कर पाते हैं, घर में रहने के बावजूद भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पूरे घर में एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे हम सब मिलके बात भी करते हैं, दिनचर्या अपनी शेयर करते हैं एंड एट द सेम टाइम हम अपना खाना भी इंजॉय करते हैं। तो वो एरिया है डाइनिंग स्पेस एरिया। तो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है कि मैंने अपना डाइनिंग स्पेस कैसे डेकोरेट किया है। मैंने फ़िलहाल इसको फेस्टिव सीज़न के थीम के हिसाब से रखा है, डेकोरेट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसको हर टाइम, इस स्पेस को हर टाइम एकदम साफ सुथरा क्लीन रखना चाहिए एंड दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए स्पेस, क्योंकि यहाँ पे हम बैठते हैं साथ में, खाना एंजॉय करते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना डाइनिंग एरिया कैसे डेकोरेट किया है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा डाइनिंग स्पेस है और ये 6 सीटर का डाइनिंग टेबल है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये डाइनिंग क्लॉथ प्लेस कर दूँगी। मैंने टॉर्कोइज कलर का ख़रीदा है, मुझे टॉर्कोइज कलर समहाउ बहुत पसंद है, तो मेरे घर में काफ़ी कलेक्शन है टॉर्कोइज कलर के। तो मैंने अच्छे से प्लेस कर दिया है डाइनिंग टेबल क्लॉथ इसके ऊपर। अब इसकी ब्यूटी को थोड़ा और एनहांस करने के लिए मैं इसके ऊपर ये अपना दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने टेबल रनर की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो ये लाइट पिंक का है, इसमें बहुत ही प्यारा वर्क किया गया है मेरे दुपट्टा में। सो आई एम यूजिंग दिस एज अ टेबल रनर। इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से बीच में प्लेस कर दिया है। अब टेबल रनर के ऊपर मैं सबसे पहले प्लेस करूँगी ये वुडन ट्रे, ये सर्विंग ट्रे की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं प्लेस किया है ये ऑरेंज कलर का सिरेमिक फ्लावर वास, जिसमें मैंने वाइट कलर के फ्लावर्स प्लेस किए हैं, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। और फ्लावर वास के साइड में मैंने ये जेल कैंडल खुद बनाया है, इसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने शेल्स प्लेस किए हैं, सी शेल्स छोटे छोटे। तो दिस इज़ हाउ आई हैव मेड इट, बहुत इजी प्रोसीजर है इसका। तो इसके साइड में अब मैं प्लेस करूँगी ये वाइन ग्लास। वाइन ग्लास में मैं फ़िल कर रही हूँ ड्राइड पेटल्स, नहीं आते जो फ्रेग्रेंस वाले, वो मैं इसके अंदर फिल कर दूँगी अच्छे से। अचानक से वाइन ग्लास में जब मैंने ड्राइड पेटल्स डाले तो कितना प्यारा लुक दे रहा है, इफ़ यू कैन सी, आपको खुद समझ आ रहा होगा कि कितना अच्छा और एलिगेंट लुक दे रहा है। अब मैं बेसिक नेसेसिटी के जो आइटम्स होते हैं डाइनिंग टेबल में जो रिक्वायर्ड होते हैं वो प्लेस कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये नैपकिन होल्डर प्लेस किया है। साइड में मैं प्लेस कर रही हूँ एक स्पून का स्टैंड, और मेरे घर वाले ये अचार खाना बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने इसमें अचार, नमक और पेपर। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपके साथ अपना फाइनल लुक शेयर कर रही हूँ डाइनिंग एरिया स्पेस का, कि ये डेकोरेट करने के बाद कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और मैंने इसके थीम को जो है वो दिवाली के हिसाब से रखा है। आप अपने हिसाब से इसको जैसा चाहें डाइनिंग स्पेस को, डाइनिंग एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने ये अपने ये शादी के फ़ोटोज़ और अपने डॉटर के फ़ोटोज़ बचपन के यहाँ पे फ्रेम करके वॉल पे लगाए हैं। और ये स्पीकर है, तो खाना खाते खाते हम कभी कभी गाना सुनना भी पसंद करते हैं। ये स्टिकर है, वॉल स्टिकर, जो आजकल ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये डाइनिंग एरिया स्पेस का डेकोरेशन का आइडिया कैसा लगा। एंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।